हेलो गाइस तो फाइनली आर्नो क्लासिक की कम्पेटिटर लिस्ट आ गई है और आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे तो अगर हम बात करें मैं डिवीजन की तो एरिन बैंक्स, डियोगो मॉन्टेनेग्रो एंटोन वेदरस्पून, विटोर जोआन मैनुअल कार्लोस डिओलीविरा अली बिलाल

थर्ड प्लेस पर आने वाले बट सी कितना ज्यादा डिफरेंस है एरिन और डियोगो में एंड ही इज द क्लोजेस्ट प्लेसर डियोगो की प्लेसिंग से अक्सर लोग खुश नहीं होते हैं क्योंकि डियोगो की कोर उस तरह से डिफाइन नहीं है बट ऑनेस्टली इट्स अ जेनेटिक थिंग नो मैटर वो इस पर कितना काम कर ले ये चीज ऐसी ही रहने वाली है और जजेस इस चीज को समझते हैं क्योंकि अगर कंडीशनिंग की और दूसरी चीजों की शेप की बात करें तो डियोगो डेफिनेटली हमेशा अपने बेस्ट शेप और क्रेजी कंडीशन में आते हैं अमेजिंग लेवल ऑफ सिमेट्री वाइट शोल्डर्स लॉन्ग व्हाइट चेस्ट और एक अमेजिंग टेपर्ड वेस्ट

Completely. तब जाकर इमानुअल के लिए एक चांस बनेगा क्योंकि इमानुअल की भी एक काफी बैलेंस फिजिक है और, और इमानुअल इस वक्त एरिन एक ही है जिनको आई क्लियरली सी एजन टू दिसर नेक्स्ट हमारा एथलीट है अली बिलाल तीन प्रोशो जीतने के बाद ये पहुंचे ओलंपिया में और अपने डेब्यू में ही अली बिलाल ने स्कोर कर ली नाइन्थ प्लेसिंग टॉप टेन क्रैक गाइस और उसके बाद सी ही सेट कि मेरा शेप 100% नहीं था और प्रॉमिस करा कि नेक्स्ट ईयर इससे भी नेक्स्ट लेवल पैकेज लाएंगे एंड टू बी गाइस ऐसा बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था क्योंकि यहाँ अली बिलाल फुलर थे पीक तो कभी मिस ही नहीं करते प्लस एक सिग्निफिकेंट साइज अपने फ्रेम पर एड करके आए थे एंड वी कैन ट्रस्ट इट आई I मीन mean, कितने ऐसे एथलीट हैं जो तो तीन प्रो प्रोशोज एक ही साल में जीतकर ओलंपिया में भी टॉप टेन में प्लेस कर जाएं। तो अब अली बिलाल के पास सात वीक्स हैं एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करने के लिए और 2022 की तरह ही एक स्ट्रांग स्टार्ट करने के लिए 2023 में आई मीन ही लुक्स अमेजिंग हियर बट लेट्स बी ऑनेस्ट अली बिलाल यहाँ पर ये प्रो शो तो नहीं जीतने वाले जब एरिन बैंक यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है बट अली बिलाल एक अपसाइड पर इन टर्म्स ऑफ परूवेंट्स एंड गेनिंग एक्सपीरियंस एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एंड कम्पेटेटिव शो जहाँ पर अली बिलाल कम्पीट करने वाले हैं क्या अली बिलाल दिल्ली में जो प्रो शो होने वाला है वहाँ पर आएंगे इट इज पॉसिबल अभी तक इस पर है, और उसके बाद जो है guys, जो एक काफी competitive finish कर चुके हैं इस साल के ओलंपिया में वो है एडवन पालमीरा जो ओलंपिया में अपने डेब्यू में ही 5th place पर प्लेस कर गए एक और ब्राजीलियन एथलीट आई मीन गाइस ब्राजील से काफी अच्छे अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं एडवन पालमीरा आर हैविंग अमेजिंग पोटेंशियल एक क्रेजी शेप और प्रॉपरली नेल कंडीशन के साथ ये भी ट्राई करने वाले हैं यहाँ आनवर्ड क्लासिक में टॉप प्लेस करने का तो अब बात कर लेते हैं ओपन डिवीजन की तो पहले जो इस साल क्लासिक में करने वाले एथलीट्स की लिस्ट में है वो है इस वक्त क्लासिक को जीतने के लिए सबसे प्रॉमिसिंग एथलीट सैमसन डॉडा है सैमसन के पास क्रेजी जेनेटिक्स है सैमसन ने ओलंपिया के फौरन बाद दो वीक्स का ब्रेक लिया और अब वो रिटर्न कर चुके हैं जिम में और उन्होंने ये अपनी अभी की फिजिक अपडेट पोस्ट करी है ये एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है क्लासिक की प्रेप का का सैमसन के कोच माइलोस सैमसंग के पास एक ये एडवांटेज है कि वो कुछ भी खा लें इतनी जल्दी अपना शेप लूज नहीं करते और सैमसन को पूरा यकीन है कि आर्नो क्लासिक में वो ओलंपिया से भी अच्छा पैकेज प्रेजेंट कर पाएंगे क्योंकि उनका स्किन टेक्सचर हर एक शो के बाद इंप्रूव होता रहता है और अभी तक तो ये टोटली सैमसंग प्रूव करते हुए आए हैं और निक वॉकर और इयान वलेर जैसे एथलीट्स ने भी सैमसंग के कैलिबर को अक्नोलेज करा है सेवन प्लस वीक्स अभी भी बचे हैं और ये एक टॉप सिक्स ओलंपिया के एथलीट के लिए काफी है अपनी कंडीशनिंग को नेल करने के लिए इसके अलावा सैमसंग कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं ही स्टॉल एक जबरदस्त एक्सप्रेम मैसिव और इस वक्त इस पूरे लाइनअप में सैमसंग से टॉप प्लेसर इस बार के ओलंपिया का कोई नहीं है यहाँ पर नेक्स्ट एथलीट है ब्लैसिंग अवोदीबू 2022 का ओलंपिया ब्लैसिंग के लिए एक तरह से रियलिटी चेक रहा जहाँ पर लोग बोलते रहे ब्लैसिंग को कि जो तुम ये फालतू इतना बोलते हो उसे बैक करने की भी जरूरत है कुछ करके भी दिखाओ बातें तो ब्लेसिंग ने बहुत बड़ी बड़ी कर दी थी कि वो टॉप थ्री में आएंगे और फर्स्ट कॉल आउट में आएंगे और कभी क्रीजो को तो कभी निक वॉकर को कॉल आउट करते रहे और ये चीजें ब्लेसिंग के लिए एक आई ओपनिंग रही होंगी कि जैसे निक वॉकर ने कहा था कि आई डोंट टॉक टू पीपल इन द थर्ड कॉल आउट वैसे ही थर्ड भी नहीं बल्कि ब्लैसिंग ओलंपिया तो में लास्ट कॉल आउट में प्लेस करे इंडी और न्यूयॉर्क प्रो में ब्लैसिंग कहीं बेहतर थे ओलंपिया की अपियरेंस से क्योंकि ओलंपिया में तो ये काफी सॉफ्ट और वाट थे और पूरी तरह से अपनी पीक मिस कर चुके थे प्लस वाइज इनके लेग्स बहुत ही ज्यादा साइज लैक करते हैं और लेफ्ट लेग और राइट लेग में डिस्प्रपोर्शन भी बहुत

और इस बार लाइन में ब्रांडन करीबी मोस्ट प्रोबेबली नहीं है क्योंकि ऑफिशियल लिस्ट तक में तो उनका नाम नहीं आया था विलियम अभी भी निकोल के साथ ही ट्रेन कर रहे हैं यहाँ इस अपडेट में आप देख सकते हैं विलियम ने पूछा है की क्या मुझे कोई और शो करना चाहिए क्लासिक के अलावा साल के एंड तक या फिर अपने हेटर्स को एक फेवर कर दूं और रिटायरमेंट ले लूं और गाइस विलियम बॉन एक ऑलमोस्ट 40 साल के हो चुके हैं तो डेफिनेटली ये चीज भी उनके माइंड में बहुत ज्यादा क्लिक कर रही होगी जिस तरह से उनकी प्लेसिंग साल बार साल गिरते जा रही है सिक्स से इस बार सीधा नाइन्थ प्लेस पर मूव हो गए बट विलियम ऑलरेडी पहले भी दो बार आन क्लासिक जीत चुके हैं एक एक बार 2018 में और एक बार 2020 में वो तो लास्ट ईयर भी जीते जीते गए थे बस। तो इस बार इवन क्लाइडर जैसे करते हैं और अगर ये सिर्फ लास्ट ईयर के क्लासिक जैसे भी आ गए जहाँ पर सबने ने जीता हुआ मान लिया था तो इज गोइंग टू गिव सैमसन एंड शॉन टाइम उसके बाद इस दो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम श्रॉनलाइडा एंड कमाल तो टू एथलीट इस साल ओपन डिवीजन की लिस्ट में इंक्लूडेड है और इस तरह से चीजें

जो थर्ड प्लेस पर आए थे लास्ट ईयर के ओलंपिया में टू ट्वेल्थ डिविजन में वह फिर से एक तरह से चैलेंज प्रेजेंट करने वाले हैं शॉन के सामने शॉन और कमाल के इस लाइनअप में होने से एक बात तो पक्की है कि अभी के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं क्योंकि शॉन नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग और मसल मेरिटी तो लाते ही है कॉम्पैक्ट फ्रेम पर क्वालिटी फिल्म मसल कैरी करते हैं और जो फिजिक वो लेकर आ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में वो डेफिनेटली किसी के लिए भी एक चैलेंज प्रेजेंट कर सकती है और अगर सैमसंग थोड़ा सा भी ऑफ आ गए तो बैम शॉन टोटली इन कर लेंगे टू बी द विनर और इसके साथ ही हमारे लास्ट ईयर के पॉइंट्स के बेस पर क्वालिफी होने वाले ओलंपिया एथलीट जस्टिन रॉड्रिगे भी कम्पीट करने वाले हैं ओपन डिवीजन में स्ट्रेस जा रहा था. बीच में बोला भी था कि अब मैं 2022 के ओलंपिया में नहीं बल्कि 2023 के ओलंपिया में कम्पीट करूंगा एक थोड़ा रेस्ट लूंगा बट बीच में ही अपना डिसीजन चेंज कर लिया पता नहीं किसी रीजन से फिर हमने इन्हें ओलंपिया में कम्पीट करते हुए जीत जाए और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाए स्पेशली जब कुछ चैंपियंस और रियली टॉप प्लेसर

और अपनी बैक में भी ह्यूज इंप्रूवमेंट्स कर ली थी और ये दोनों ही इससे पहले इनकी वीकनेसेस में काउंट होती थी और चार्ल्स के पास इस टाइम पर किसी भी लाइनअप में कम्पेटेटिव होने के लिए इनफ साइज है बट चार्ल्स समझ गए हैं कि उन्हें अभी और इम्प्रूवमेंट्स करनी है जिस तरह का कम्पेटेटिव लाइनअप इस बार के ओलंपिया में रहा है और इसके लिए वो इस टाइम पर एक प्रॉपर रेस्ट लेना प्रेफर करेंगे ताकि उनकी बॉडी रिकवर हो जाए और रेडी हो जाए

होंगे टू प्रिपेयर ओलंपिया टूगाज मे बी मे बी बहुत कम chances हैं, बट शायद क्या पता हम Derek का ये होता हुआ देख लें. स्टेज पर लेकर आए थे, थे इतना लाउड रिएक्शन इतना क्रेजी रिएक्शन इस बार ओलंपिया में किसी और के लिए आया ही नहीं तो so आपको पसंद आया हो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें बहुत सारी अपडेट्स आ रही है कमेंट्स में अपने रिव्यू बताते रहे फीडबैक शेयर करते रहे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दें थैंक यू बाय बाय